कुशीनगर में भाजपा की जीत की खुशी में मिठाई बांटने वाला भाजपा कार्यकर्ता, पिटाई के बाद हुई उसकी मौत। गांव के पटीदारों पर लगा पिटाई का आरोप, एक सप्ताह के बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। एटा में कुल 120 बीघा जमीन दबंगों के चंगुल से प्रशासन ने कराई मुक्त। जमीन पर दबंगों का था पुराना कब्जा, दबंगों के मकान पर भी चला बुलडोजर। बरेली के सेथल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सिपाहियों से मारपीट। ट्रेन में दो सिपाहियों को दबंगों ने बेल्ट से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल। जीआरपी थाने में दो नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिजनौर के स्वाहेड़ी इलाके में लाइव मर्डर का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद में बदमाश ने युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोली। खेत में दिनदहाड़े हत्या की तस्वीर परिजनों ने मोबाइल में कैद की। बदायूं के ननाखेड़ा गांव में लगी भीषण आग। आधा दर्जन घरों में लगी भीषण आग। आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। आग लगने से गांव में मची अफरातफरी। रायबरेली में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से चार घर हुए जलकर खाक। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। घर में रखे गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख। बाराबंकी में चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी भीषण आग। कार में पति पत्नी समेत तीन बच्चे थे सवार। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट देख पति पत्नी ने बच्चों को बाहर निकाला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भयंकर आग। रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक। एक मवेशी की मौत। आग लगने का वीडियो सामने आया। मंजनपुर तहसील के कायत के पुरवा का मामला। आगरा के राजामंडी रेलवे स्टेशन पर हुआ दुखद हादसा। प्लेटफॉर्म पर खड़े जीआरपी कांस्टेबल को आया चक्कर। ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। पूरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद। कांस्टेबल रिंगल कुमार सिंह की हुई मौत। लखनऊ के अलीगंज में नवीन गल्ला मंडी में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। इंदिरा नगर फायर स्टेशन से बुलाई गई दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के लोनी में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। लाखों का सामान आग में जलकर राख। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक में अचानक लगी आग। देखते ही देखते धू धू कर जलने लगा ट्रक। ट्रक चालक और क्लीनर पूरी तरह सुरक्षित। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। संभल के हैंडीक्राफ्ट फर्म के गोदाम में आग लगने से हड़कंप। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। आग बुझाने में दमकल विभाग को करनी पड़ी घंटों की मशक्कत। स्थानीय लोगों ने की दमकल विभाग की मदद। श्रावस्ती के राप्ती नदी में नहा रही 9 साल की एक मासूम बच्ची की डूबकर मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। गांव में गम का माहौल। आजमगढ़ में बेकाबू कार मिठाई की दुकान में घुसी। अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर देहात में ट्रेवल बस और ट्रॉला में जोरदार भिड़ंत। अनियंत्रित ट्रॉला ने बस को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। कानपुर रेफर। भोगनीपुर से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस। आगरा फतेहाबाद रोड पर 2 कारों की जोरदार भिड़ंत में 1 की मौत, 4 लोग घायल। सूचना पर इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।